सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट चल रहा था, बोर्ड पे सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा वीडियो बनता, इतने न्यूमेरिकल एक वीडियो में क्लियर भी नहीं हो सकते। जो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि टू पॉइंट चार्जेज क्यू ए और क्यू बी इसने दिया है, ठीक है। क्यू ए और क्यू बी का मान जो वैल्यू है वो इसने दी है, और इसके इसने दो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट तो है जेड एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर -15 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट जो है वो है जेड एक्सिस के ऊपर +15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, और पहले तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको देखो, पी इज इक्वल टू क्यू डी होता है। क्यों यहाँ पे क्या है, क्यों ए और क्यों बी दो चार्जेस हैं, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों, तो एक चार्ज तो पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरा नेगेटिव, तो उनका मैग्नीट्यूड जो है वही इसके मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो पी इज इक्वल टू क्यू डी वाला जो पोर्सन है, इसमें जो क्यों है वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्यू की वैल्यू अपने पास 2.5 × 10⁻⁷ कूलम ही रहेगी, ये वैल्यू क्यू की रह जाएगी। और डी क्या है, +15, ठीक है। तो +15 है, इसका मतलब ये प्लस और माइनस में डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस की वैल्यूज़ है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइड में -15, ये पॉजिटिव साइड में -15, ए और बी दोनों के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्यों है, यहाँ पे चार्ज क्यों है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये चार्ज क्यों हो गया और ये चार्ज क्यों हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, अभी तक जो मैंने रेड किया है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्यू डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू की वैल्यू जो है वो 2.5 × 10⁻⁷ कूलम है, और D की वैल्यू है वो अपने पास 30 सेंटीमीटर, D की वैल्यू रहेगी, ये D की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन P इज इक्वल टू क्यू डी, इसका आंसर जो है फाइनल आंसर वो आपको पता ही है, 7.5 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉरक ऑन द डाइपोल। आपको टॉरक जो है वो कैलकुलेट करना है डाइपोल के ऊपर, कि डाइपोल के ऊपर टॉरक कितना है, टॉरक कितना होता है, टॉ इजक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब पी ई जो है, ठीक है ना, पी ई इसमें पी तो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इसने आपको दिया है 30 डिग्री सेंटीमीटर, तो टॉ इजक्वल टू पी ई साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ, ठीक है। बिल्कुल, पी इसने दिया है आपको, ये रहा आपका पी, मैग्नीट्यूड पी का, ठीक है। सिमिलरली करके ये आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज 3 सेंटीमीटर, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस इसने आपको दी है 3 सेंटीमीटर, मतलब R की वैल्यू इसने आपको 3 सेंटीमीटर दे दी। द सम ऑफ दीज चार्जेज इज 20 माइक्रोकूलम, इफ ए चार्ज रिपल अदर चार्ज विद द फोर्स ऑफ 0.075 न्यूटन, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ चार्जेस। Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया है आपको, सिर्फ Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है, बस Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू उसने आपको दी है 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, F इज इक्वल टू क्या होता है, कूलम के, कूलम का जो लो है उसके अकॉर्डिंग के Q1 Q2 / R², Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपके पास ये वैल्यू रहेगी 75 × 10⁻½ कूलम स्क्वायर,
ठीक है, कूलाम स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये कूलाम इंटू कूलाम है, इसलिए क्या गया कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू वन माइनस क्यू टू का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू पता ही आपको क्या होती है, ये फॉर्मूला बनता है अपने पास क्यू वन माइनस क्यू टू की होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर माइनस फोर क्यू वन क्यू टू। मैथ वाले बच्चे तो इसको भली भांति जानते हैं, ठीक है, बाय वाले इसको थोड़ा सा याद कर लेना। तो इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करके आप क्यू वन माइनस क्यू टू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, इसको टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, करने के बाद में ये वैल्यू आपके पास आएगी क्यू वन और क्यू टू की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें देखो टू चार्जेज प्लस माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द डिस्टेंस 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आपको और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सियल के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, क्यों की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर डाइपोल जो है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, ये देखो ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इसमें एक रिलेशन भी था, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो पीछे एक एग्जांपल है, ठीक है ना, पीछे बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, वही एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन पीछे के जो वीडियोज हैं उसमें करवाया जा चुका है, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर इसका सॉल्यूशन रहेगा। 14 का क्वेश्चन है वो देख लो, ठीक है ना, टू इक्वल पॉइंट चार्जेज क्यू आर केप्ट अपार्ट एट डिस्टेंस, अनदर चार्ज क्यू इज केप्ट एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, मतलब दो चार्ज हैं कैपिटल क्यू और तीसरा चार्ज क्यू इसके बीच में प्रेजेंट है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एंड इट्स नेचर व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वैल्यू क्यू अपॉन फोर है वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट का, उसके बाद में अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, फिजिक्स सेकंड का, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एक्सेलेरेशन का रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है, दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में एफ की वैल्यू क्यू ई जो है वो एम ए के इक्वल हो जाएगी, इससे अपने पास जो ए का फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्यू ई अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, अब क्यू ई अपॉन स्मॉल एम जो है इससे आप अलग अलग वैल्यू आप क्या करोगे रख के इसका रेशियो कैलकुलेट करोगे। अब प्रोटोन के लिए जो है वो हो जाएगा ई ई अपॉन स्मॉल एम, प्रोटोन के लिए ई ई अपॉन स्मॉल एम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोटोन के लिए ए पी, न्यूट्रॉन के लिए ए डी, अल्फ़ा के लिए ए अल्फ़ा। ठीक है, सभी वैल्यूज इस तरीके से इसमें रहेगी। तो एम डी इज इक्वल टू टू एम पी करवाया हुआ मेरा पीछे कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का क्या होता है ट्वाइस होता है। ठीक है ना, टू टाइम्स प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास। और अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो देखो 4 mp, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है। ठीक है, तो ए पी, ए डी और ए अल्फ़ा इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो अपने पास आएगा 2:1:1। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास रहेगी, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ये नोट्स वोट्स जो भी है उसमें ये मेरा दिया हुआ है, सभी मेरे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं इसमें, और जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मेरा नोट्स में दिया हुआ है। आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको लिख लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन इसको कर लेना, समझने की कोशिश करना, कर लेना इसको। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन आपको करने नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ये बुक से ही सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, इसको आप नोट्स में अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना और समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, अच्छा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है वैसे। ठीक है, थैंक यू।